एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नसीमा और मैं अभी अपनी एक साइट पे हूँ। मैंने सोचा था कि मैं दिन में व्लॉगिंग करूँगी, लेकिन आज क्योंकि मेरी ट्रेन है, आई एम गोइंग टू लखनऊ, मैं काफ़ी बिजी थी दिन में, मुझे कुछ ड्राइंग्स रिलीज करनी थी, तो उस चक्कर में मैं कुछ नहीं कर पाई। और अभी मैं अपनी एक साइट पर आई हुई हूँ। यहाँ पे साइट पे मैं आपको साइट की कंडीशन दिखाती हूँ। पेंट हाउस है, जहाँ मेरे घर के बहुत पास है यह साइट, तो मैं यहाँ पे रेगुलर विजिट करती रहती हूँ। तो यहाँ पे आज टाइल वगैरह का डिस्कशन होना था, दैट आई हैव डन, और डोर्स की डिज़ाइन कैसी होगी, एवरी ड्राइंग्स आई हैव रिलीज, तो उसके ऊपर डिस्कशन है। देन अभी यहाँ से एक्चुअली मैं ब्लॉगिंग अभी से बनाना चालू किया है, तो मैं यहाँ से अभी घर जाऊँगी। घर में मुझे पैकिंग करनी है, पैकिंग करके देन आई विल बी लाइक, आज हमारी ट्रेन है 10 बजे की, तो हम 9:30 बजे निकलेंगे, 8:30-9 बजे के आसपास निकलेंगे। ऑल दिस थिंग, छोटा सा ये ब्लॉग बनेगा, तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड स्टे कनेक्टेड। यहाँ से काम निपट गया है और 5 बज गए हैं, तो मैं घर जा रही हूँ, मुझे पैकिंग करनी है। पैकिंग करके लेकिन आज का मौसम बहुत ही ढिंचैक, बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है, तो मुझे पैकिंग करनी है और फिर मुझे डिनर, जब भी मैं जाती हूँ यहाँ से या कहीं भी मैं ट्रैवल करती हूँ, आई लाइक टू कीप माई एंटायर एनवायरमेंट क्लीन, ताकि मैं वापस आऊँ तो मुझे कुछ गंद ना दिखे। तो मैं भले ही एक दिन के लिए भी जाऊँ, कहीं पर भी जाऊँ, तो मैं पूरा उस चीज़ का टेक केयर करती हूँ। तो मैं अभी जाके मुझे वो चीज़ देखनी है। देन ड्राइंग्स मुझे रिलीज़ करनी थी, मैं कोशिश करूँगी कि कर लूँ, बट मेरे को साइट पे इतना टाइम लग गया है कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी बेसिस पे तो मैं पैकिंग करूँगी। और मैं चाहती थी यार, पता ही क्या होता है जब आप साइट पे जाओ ना, तो आप बस इतना डिस्कशन में बीत जाते हैं, इतना डिस्कशन होता रहता है, यू फॉरगेट टू व्लॉग। इनफैक्ट मैंने अपने एक दो बंदे से भी बोला कि आप मेरा वीडियो बना दो, मतलब साइट पे एक दो लोग थे, उनसे बोला कि मेरा वीडियो बना दो, तो वो बेचारे बनाने की कोशिश तो करते हैं, बट तो मैं देखो आई हैव टू मैनेज एज वेल कि यार इतना डिस्कशन करती हूँ साइट पे। आज तो खैर मैंने इंस्टाग्राम के लिए रील भी नहीं बना पाई हूँ, क्योंकि लेट सारा काम फिनिश करना था। आज साइट पे इलेक्ट्रिकल की वायरिंग वगैरह डिस्कस हुई, लूपिंग डिस्कस हुई, बाथरूम की टाइल्स डिस्कस हुई, बाथरूम की लाइटिंग सारी डिस्कस हुई, सीलिंग डिस्कस हुई, मतलब बहुत सारी चीज़ें, काम फिर से बैक ऑन ट्रैक आने वाला है, होपफुली इसका काम ट्रैक पर हो रहेगा। तो बहुत सारी डिस्कशन हुए, तो आई कुडंट गेट टाइम टू मेक एनी रील या पोस्ट। नाउ आई एम गोइंग टू टेक अ ऑटो फ्रॉम हियर। यहाँ पे बराबर में मिलता है सब्वे और मुझे इतना पसंद है सब्वे, तो मेरा दिल करता है कि मैं सब्वे खा लूँ, लेकिन मैं आ गई घर और फिर मुझे कुछ ड्राइंग्स रिलीज करनी थी, तो मैं उसमें लग गई। मैंने अपनी पैकिंग भी कर ली है, इमरान के कुछ कपड़े हैं उसको रखना है मुझे, और फिर पूरा घर फैला दिया है। रियान ने, सविता ने आलू के पराठे बना दिए हैं, तो वो आलू के पराठे हम डिनर करेंगे। मैंने तो इनफैक्ट गर्म गर्म एक पराठा खा लिया, तो आलू के पराठे खाएंगे डिनर में। और रियान ने पूरा घर फैला दिया है, मुझे वो चीज़ सेट करनी है, क्योंकि हमें 9 बजे निकलना है। कपड़े मैंने डाल दिए हैं, अब मुझे पूरा घर सेट करना है। रिया ने गति थी वो नमकीन को बोलता है, वो खा रहा था पूरे बिस्तर पे, उसने बो दिया है। रियान पता है बिल्कुल मुझे व्लॉगिंग करते हुए बर्दाश्त नहीं कर पाता है, बिल्कुल भी नहीं। लुक एट हिम, रियान बाहर जाने की इतनी जिद कर रहा है ना, अभी पूरा अपनी उसके हिसाब से उसने चप्पल पहन लिया, मतलब एवरीबॉडी इज रेडी नाउ, ही शुड गो आउट, और वो खुद से अभी दरवाजा खोल के बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। ओनली वन स्मॉल हैबिट दैट चेंज माई लाइफ। देखो मैं अब अपने कपड़े, पहले ऐसा होता था हफ्ते में एक दिन मैं अपना 1 या 2 दिन निकालती थी कपड़े धोने के लिए, तो उससे क्या होता था मेरा मेंटल ब्लॉकेज, मतलब रहता था कि हाँ उसको धोना है धोना है। अब मैं क्या करती हूँ, हर ऑल्टरनेट डे पे, मतलब हर ऑल्टरनेट डे पे मैं कपड़े धो लेती हूँ। थोड़े निकलते हैं मेरे, रियान के, इमरान के थोड़े कपड़े, रियान के तो इनफैक्ट दिन में 4-5 बार चेंज हो जाते हैं, तो ये लेकिन थोड़े थोड़े करके निकलते हैं ना। एवरी ऑल्टरनेट डे धोने से क्या होता है, वो इकट्ठे नहीं होते, तो मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब मेरा इट्स इन माय रूटीन, जैसे खाना बना रही हूँ, या अब तो खैर खाना नहीं बनाती हूँ रात को, लेकिन जैसे कुछ काम कर रही हूँ और फिर शाम के वक्त ही, ये नॉन प्रोडक्टिव काम है, इसको रात को ही करती हूँ। जो भी काम करते करते ना मशीन में कपड़े डाल देती हूँ, और फिर मेरे कपड़े धोते रहते हैं, उनको निकाल के सबको फैला देती हूँ, और फिर जो पुराने वाला स्लॉट है उसको तय करके उसी वक्त डाल देना। तो इससे क्या होता है, मेरी लाइफ ना आसान हो गई है। एक वर्किंग मदर के लिए हाउस होल्ड चोर्स, यू कैन नॉट जस्ट रन अवे फ्रॉम हाउस होल्ड चोर्स, ये काम है, सब कोई बोले ना बोले, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा काम है यार, घर सेट करना, कपड़े सेट करना, सब चीज़ें ऑर्गेनाइज रखना, और
उसके साथ अपना काम मैनेज करना, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क. तो अगर आप अपने पहले तरीके से तैयारी रखोगे ना कि हाँ ये चीज इस टाइम पे हो जानी चाहिए, ये चीज इस टाइम पे हो जानी चाहिए, तो शायद आपकी लाइफ थोड़ी आसान बन जाएगी. निकल रहे हैं, हमारी कैब आ गई है, अनफॉर्चुनेटली आज टाइम पे है तो हमने जल्दी बुक कर लिया है. इट्स गोइंग टू टेक अस 30 मिनट्स टू रीच देयर. हमारी कैब बाहर वेट कर रही है. गाड़ी 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 आप भी तो गाड़ी में हो बेटू. हम रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं और अब मैं यहाँ पे व्लॉग अपना क्लोज कर रही हूँ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड यू विल सी माई नेक्स्ट व्लॉग सून.